हेलो जय हिंद एवरीवन आज के इस क्लास में क्लास टेंथ के बच्चों के लिए फिजिक्स का टर्म वन अरिहंत जो प्रैक्टिस पेपर मॉडल सेट निकाला हुआ है उसका टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन मिलेगा सॉल्यूशन केवल क्वेश्चंस के साथ ही नहीं कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर करें वो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चनस वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे हर एक पैटर्न के क्वेश्चंस को डील कर देंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आए तो एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो तो पंद्रह से बीस मिनट का हर एक सीगमेंट बनाएंगे पंद्रह पंद्रह मिनट का सीगमेंट करके हम इस सारे सोल्यूशन को डालेंगे तो बी केयरफुल देखेंगे फटाफट से बिना टाइम कमाएं जैसे आप ये बुक देख पा रहे हो लगभग सबके पास ये बुक होगा अरिहंत का जो साइंस क्लास टेंथ के लिए टर्म वन का एग्जाम जो नवंबर में होंगे उसके लिए जो एमसीक्यू सी के क्वेश्चन डाले हैं उस क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन फटाफट से बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉरेक्ट मतलब अपने को इनकोरेक्ट ऑप्शन ढूंढने हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहला ऑप्शन कह रहा है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट एक ई एम वेव है सही बात है लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव उसके पहले कह रहा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन तीसरा कह रहा है लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव चौथा ऑप्शन दिखा रहा है लाइट इज अ लॉन्गी टूटनल वेव ये चार ऑप्शन है अब वन बाय वन ऑप्शन देखेंगे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सही बात है लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता है सही बात है अब यहां पर दो दिखा रहा है कि लाइट एक बार कह रहा है ट्रांसवर्स एक बार कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल लाइट ट्रांसवर्स वेव है सही है लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन होते हैं साउंड वेव साउंड वेव होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव लाइट इधर से देखेंगे ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मटेरियल के रिक्वायरमेंट और नॉन रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो नॉन मैकेनिकल वेव लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पे पागेट करती है दूसरा ऑप्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन थोड़ा सा आपका चेंज हो सकता है अगर आपके ऑप्शन में एक साथ एयर और वैक्यूम दोनों दे रखा है तो डेफिनेटली वैक्यूम मारोगे अगर ऑप्शन में वैक्यूम नहीं दे रखा है एयर दे रखा है तो एयर को ही एज अ वैक्यूम ट्रीट करके आप ऑप्शन एयर डालोगे तो चूंकि इसमें आपके पास एयर भी दिया और वैक्यूम भी दिया है तो डेफिनेटली एयर होंगे अगला ऑप्शन जो कह रहा है कि फिच ऑफ द फॉलोइंग आई वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम एयर वाटर ग्लास एंड वैक्यूम वैक्यूम प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वैक्यूम होंगे और उसमें स्पीड कितना होता है वैक्यूम में लाइट का थ्री इंटू टेन पावर एट सेकेंड क्वेश्चन के लिए हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं टाइम पास करेगा उसमें हम लोग वैक्यूम डालेंगे वैक्यूम में स्पीड होता कितना है थ्री इंटू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड तो इस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से पकड़ेंगे कि अगर आपके ऑप्शन में एयर और वैक्यूम दोनों हो वैक्यूम चूज करेंगे अगर ऑप्शन में दे दिया जैसे ग्लास एयर वाटर डायमंड अलग अलग मीडिया आई उस केस में हम एयर को एज ए वैक्यूम मान करके एयर वाले को डालेंगे और ये चीज़ सबको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका इतना ज़्यादा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डैट मीडियम तो जिस मीडियम में स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर तो फिक्स है एयर बोलो या वैक्यूम बोलो तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है मीडियम जिस मीडियम में लाइट का स्पीड सबसे कम उसका म्यू सबसे ज़्यादा जिसमें स्पीड सबसे ज़्यादा उसका म्यू सबसे कम हो सके कभी काल म्यू का ऑर्डर थमा दे बोले कि आप इसमें लाइट के स्पीड का ऑर्डर खोज लो तो जिस ऑर्डर में म्यू होंगे उसके जस्ट उल्टा ऑर्डर में उस मीडियम में लाइट का स्पीड होगा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन कहाँ होल्ड करता है प्लेन मिरर कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर ऑल मिरर मतलब जितने भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं वो सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है प्लेन मिरर करता है स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं कनकेव और कन्वेक्स करता है मतलब हर एक मिरर में ये कनकेव हो कन्वेक्स हो या प्लेन हो सब में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं मीन्स आई इक्व टू आर एंगल आई इक्व टू आर सब जगह फॉलो होता है और इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल तीनों एक पॉइंट पर मिलते हुए एक ही प्लेन में लाई करते हैं ये हर एक रेगुलर टाइप रिफ्लेक्शन में फॉलो होता है मीन्स ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज ऑलवेज स्ट्रेट वॉट विल बी द डिस्टेंस देन मिरर इज सिंपल ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है सॉरी स्ट्रेट मतलब सीधा होता है किस मिरर में किस मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल बनेंगे क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है सीधा बनता है वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है कुछ चीज़ें यहाँ देखेंगे जहाँ भी कहीं आपको वर्चुअल इमेज मिले वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेंगे चाहे वो लेंस से बने मिरर से बने या कहीं भी किसी भी सोर्स से बने हमें रियल इमेज रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनते हैं और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनते हैं मतलब सीधा जब भी हमें वर्चुअल इमेज लेने हो तो एक चीज़ तो आप देखते हो कि प्लेन मिरर में प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है प्लेन मिरर में और क्या क्या जानते हो एक चीज़ और देखो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर होते हैं प्लेन मिरर हमेशा मैग्नीफिकेशन वन शो करता है प्लेन मिरर में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बराबर होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा बनाते हैं एक तो प्लेन मिरर होगा दूसरा आपको याद होगा कन्वेक्स मिरर जरा कन्वैक्स मीडर में इमेज फॉर्मेशन देखोगे अगर कन्वैक्स मीडर में इमेज फॉर्मेशन करते हो तो कहीं ना कहीं इधर एफ होगा कहीं इधर आ कर के आर होंगे कहीं कोई, कोई भी लाइट लेके आएंगे पैरेलल तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से भागेगा अपने फोकल पॉइंट से और दूसरा लाइट कहीं भी ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दो मान लो कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट हम यहीं करे हुए थे तो एक यहाँ से ले लाइट लेके जाएंगे ये लाइट सीधे ऐसे रिफ्लेक्ट करके निकल जाएगी तो ये हमेशा ये लाइट तो रियली कहीं नहीं मिल सकती जब भी वर्चुअली ही मिलेगी पीछे डॉटेड लाइन से हमेशा फोकस से पहले और सीधा तो कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का पोजिशन आप कहीं भी रख दो पोल से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट डाल दो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा सीधा बनेगा पोल और फोकस के बीच में बनेंगे पोल और फोकस के बीच में बनेंगे छोटा बनेंगे सीधा बनेंगे और लेंस के सॉरी मिरर के पीछे बनेगा तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आइदर प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर नेक्स्ट फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज क्वेश्चन कहीं दिया प्लेन मिरर के फोकल लेंथ क्या क्या होते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव प्लेन मिरर में क्या क्या आपको मिलता है पहला चीज फोकस इसका इन्फिनिटी होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनीटी होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा बराबर होते हैं लेकिन निगेटिव के साथ होता है अच्छा हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है ये मैग्नीफिकेशन हमेशा वन शो so करेगा और इसमें एक लैटरल इन्वर्जन शो होता है लैटरल इन्वर्जन इन्वर्टेड और लैटरली इन्वर्टर में बहुत फ़र्क होता है लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ़्ट राइट राइट लेफ्ट जैसे ये चीज एक अगर हम प्लेन मिरर बना दें और इस साइड अगर हम एल ऐसे लिखे तो इसका इमेज लेट्रली इन्वर्ट होकर ऐसे बनेगा अगर हम आर ऐसे लिख दूँ तो इसका इमेज कैसे बन जाते हैं ऐसे इसी चीज़ों को बोलते हैं लेट्रल इन्वर्जन और लैट्रल इन्वर्जन केवल एक प्लेन मिरर शो करता है तो प्लेन मिरर में इतना सा प्रॉपर्टी है बट फिलहाल आपसे पूछ रहा फोकस कितना होता है प्लेन का इन्फिनी होते हैं नेक्स्ट देखेंगे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ टेन सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, देन द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर विल बी. फिर इसी प्रॉपर्टी से आ गए एक प्लेन मिरर के सामने दस सेंटीमीटर पे अगर हम ऑब्जेक्ट डाल दूँ तो उसका इमेज कहाँ बन जाएगा इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है प्लान मिररर में दस सेंटीमीटर सामने खड़े हैं तो मिररर से दस सेंटीमीटर पीछे इमेज बन जाएगा कभी कल इसमें क्वेश्चन हल्का सा घुमा सकता है कि अगर 10 सेंटीमीटर पर हम ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10, 10, 20 हमेशा जितना दूर मीटर से ऑब्जेक्ट होगा उससे डबल डिस्टेंस पर इमेज बनेंगे कहाँ से फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस हमेशा मीटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का डबल होगा नेक्स्ट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर फॉर आफेरिकल मीर एक स्पेरिकल मिरर के लिए रेडियस और फोकल में क्या रिलेशन होता है रेडियस और फोकल में क्या रिलेशन होते हैं सबको पता होता है फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है एफ इक्व आर बाई टू कर लो या आर इज इक्वस टू टू एफ कर लो अब ऑप्शन देख लो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है ये f फीजिक्स टू टू आर ए फिजिकल्स टू टू आर गलत ए फिक्वस टू आर बाई टू सही बात है ए फिजिकल टू आर बाई फोर और ए फिजिक्स टू टू बाई आर कौन ऑप्शन हो जाएगा ए फिक्वस टू आर बाई टू फोकस कर्वेचर का आधा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फॉर अ कन्वेक्स मिरर पैरेलल रे ऑफ लाइट आई टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड द फोकस का डिफिनीसन है शायद आप गौर से देखो कहीं भी किसी भी लेंस में या मिरर में फोकस कैसे डिफाइंड होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या लेंस हो तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे या कट करता हुआ महसूस हो मतलब वर्चुअली कट करे वो पॉइंट क्या कहलाता है फोकस कहलाता है तो कह रहा है कि किसी भी कन्वेक्स मिरर में पैरेलल रे ऑफ लाइट एपियर होता है तो डाइवर्ज करके जिस पॉइंट पर मिलेगा वो पॉइंट क्या कहलाता है फोकल पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल अपर्चर प्रिंसिपल फोकस व्हाट प्रिंसिपल फोकस कंफ्यूज नहीं करेंगे कहीं भी फोकस का डिफिनीसन ही वही होता है चाहे वो लेंस में हो या मिरर में हो कि जब भी कोई लाइट इनफाइनाइट से आए तो रिफ्लेक्शन के बाद या फिर अगर लेंस बोल रहा हो तो रिफ्लैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे वही पॉइंट क्या कहलाता है उसका फोकस जरा गौर से देख भी लेंगे एक डायग्राम से जैसे मान लो कि हमने बना दिया एक कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स मिरर ऐसे पैरेलल बीम लाइट का हम लेके आए ऐसे तीन लाइट पैरेलली ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे भागते भागेंगे ही भागेंगे ये जहाँ पर मिलेगा यही इसका क्या कहलाएगा फोकस आप कनकेव मिरर देखोगे कनकेव मिरर ऐसे ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइट ऐसे आया रिफ्लेक्शन के बाद लाइट यहां मीट कराते हो फोकस। अगर आप लेंस में देखोगे कन्वेक्स लेंस लाइट यहां पर लाए ऐसे ये जिस पॉइंट पर मीट करा जिस पॉइंट पर मीट करा अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट कभी हम डेविएट क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से जो लाइट क्रॉस करता है वो नॉर्मली लाइट होता है मतलब जीरो डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो डिग्री पर इंसिडेंट हुआ तो जीरो डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगा या रिफ़्लैक्ट करेंगे तो जिस रास्ते से ये गया है उसी रास्ते से वापस से ये रिफ्लेक्शन भी कर जाएगा जिस रास्ते से गया है रिटर्न भी आ जाएंगे तो तीनों जिस पॉइंट पर मिला ये क्या कहला रहा है फोकल पॉइंट चीज सबों को पता होगा कि लेंस में जो काम कन्वेक्स करता है मिरर में कनकेव करते हैं और मिरर में जो काम कंकेव करता है लेंस में वो कन्वेक्स करता है उल्टा होता है लेंस में मिरर का सब कुछ फिर नेक्स्ट कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज ट्वेल्व सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर किसी कनकेव लेंस का ट्वेल्व सेंटीमीटर है देन इट्स फोकल लेंथ विल बी अब जरा सा गौर फरमाएंगे ये क्वेश्चन आपको हल्का घुमा दिया क्वेश्चन नंबर नाइन यही रहा आपके सामने कंकेव मिरर जरा देख लो एक कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है इसका कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है आपके पास रिलेशन होता है एफ इक्वल्स आर बाई टू मतलब फोकल तो 6 सेंटीमीटर आएंगे छः सेंटीमीटर आएंगे लेकिन छः सेंटीमीटर प्लस की माइनस यहाँ दोनों ऑप्शन थमा दिया कर्वेचर किसी कनकेव मीटर का अगर बारह सेंटीमीटर है तो फोकल कितना होगा बारह सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर माइनस चौबीस सेंटीमीटर माइनस छः सेंटीमीटर आप गौर से देखो साइन कन्वेंशन ये कनकेब मीटर का फोकस कैसा बना हुआ है निगेटिव आपको पता है कनकेव का फोकस हमेशा निगेटिव होता है और कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉजिटिव होता है तो अगर फोकस निगेटिव होता है तो फोकल प्लस सिक्स यूज करेंगे या माइनस सिक्स डेफिनेटली माइनस सिक्स ये मत करना कि ए फिजिकल टू आर बाई टू होता है आर ट्वेल्व दिया है टू से डिवाइड करके सिक्स वैल्यू लिख दो विथ साइन चूंकि सिक्स और माइनस सिक्स दोनों दे रखा है तो साइन के साथ सोचने पड़ेंगे कि हमें डालना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन द फोकल लेंथ ऑफ अ एसफेरिकल मीर इज टेन सेंटीमीटर हैंस इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर विल भी टेन सेंटीमीटर फोकल लेंथ है किसी स्पेरिकल मीर का तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा ट्वेंटी सेंटीमीटर लेकिन सीधा यहाँ टर्म क्या बोल दिया एसफेरिकल मीर अब इस्पेरिकल मीर में कौन सा कन्वेक्स की कन्केव जरा ऑप्शन आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा द फोकल लेंथ ऑफ अ एस्फेरिकल मीर अब स्फेरिकल मिरर बोल के इतना क्लियर नहीं करा कि वो कन्वेक्स है कि कनकेव है अगर कनकेव होगा तो डबल में निगेटिव होंगे कन्वेक्स होगा तो डबल में पॉजिटिव हो जाएगा एक स्फेरिकल का कोई भी स्फेरिकल मिरर हो चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो इसका फोकल लेंथ टेन है फोकल लेंथ टेन है देन रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी अच्छा तब कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पाँच होगा सही बात है कि गलत बात है कितना बेवकूफ़ बना रहा है फोकस दस है रेडियस ऑफ कर्वेचर कह कर रहा पाँच है खुद से सोच लो क्या है ट्रू स्टेटमेंट है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है सरासर फर्स्ट स्टेटमेंट है आगे बढ़ेंगे विच साइट एरिया इज द हाइएस्ट कौन से मिरर का हुज सॉरी हुज साइट एरिया इज हाइएस्ट कौन से मिरर का जो साइट एरिया होता है वो ज़्यादा होता है मतलब ज़्यादा दूर तक के लाइट को विजिबल लाता है अपने रेंज में वो कौन सा मिरर होता है कन्वेक्स मिरर और यही कारण है कि कन्वेक्स मिरर को किसी भी व्हीकल के साइड मिरर के रूप में हम लोग लगा देते हैं ऐसा क्लियरली करके ताकि वो ज़्यादा दूर का व्यू अपने को दिखा दे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यू किसका होता है कन्वेक्स मिरर का मतलब क्वेश्चन नंबर एलेवन का हुज साइट एरिया इज़ द हाइएस्ट कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स मीर टू का ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे आगे देखेंगे द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज पहला बात कह रहा है रियल होना चाहिए तो डेफिनेटली इन्वर्टेड होगा लेकिन स्मॉलर इन साइज मतलब मैग्निफिकेशन एक से कम डिमनिस्ट इमेज बना हुआ है इफ इट इज प्लेस्ड बिफोर अ मिरर व्हिच इज किस मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को हम डालूँ ताकि उसका इमेज रियल बने रियल बनेगा तो डेफिनेटली इन्वर्टेड बनेगा लेकिन डिमिनिश्ड बनेगा पहला कर रहा है मिरर कभी नहीं कन्वेक्स मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट पड़ता है तो इमेज छोटा बनता है वर्चुअल बनता है सीधा बनता है गलत ऑप्शन कनकेव कनकेव में हो सकता है कनकेव में एक लोकेशन आता है जहाँ पर रियल इमेज बता रहे हैं एक कर रहा प्लेन, प्लेन भी गलत है नन ऑफ दी एवह जरा कनकेव मिरर को एक बार गौर से देखेंगे फिर से क्योंकि मिरर में ज़्यादा यूज कनकेव कहीं करते हैं ये आपका प्रिंसिपल पोल रहा इधर फोकस रहे रेडियस ऑफ कर्वेचर या सी बो, बोल दो और इधर आके कहीं ना कहीं इन्फिनी होगा कनकेव मिरर में केवल एक ही जगह जब ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट फोकस और पोल के बीच में कहीं करते हैं इस केस में इमेज कैसा बनता है वर्चुअल बनता है मिरर के पीछे बनता है इसी इतना दूर में वर्चुअल इमेज बनते हैं मतलब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होते हैं इमेज कैसा बनता है वर्चुअल बनता है फोकस पे डालोगे इन्फिनी पे एफ़ और सी के बीच डालोगे तो इधर से इन्फिटी और सी पर आ जाएगा सी पे डालोगे इमेज सी पे बनता है सी और इन्फिटी पे डालोगे रियल इमेज बनता है सी और एफ़ के बीच इन्फिनाइट पे चल जाओगे पॉइंट इमेज बन जाता है फोकस पे मतलब डिमिनिस्ट इमेज कब बनता है सी और इन्फिनीटी के बीच जब ऑब्जेक्ट होता है तो सी और एफ के बीच रियल और छोटा इमेज बनता है मतलब कनकेव मिरर में बन सकता है प्लेन मिरर में कभी पॉसिबल नहीं है कन्वेक्स मिरर में कभी पॉसिबल नहीं है कनकेव में ऐसा सिचुएशन आता है और कनकेव में अलावे पोल और फोकस ही एक सिचुएशन होता है जहां वर्चुअल इमेज बनते हैं बाद बाकी हर एक सिचुएशन के हिसाब से रियल इमेज ही बनता है कभी हाईली डिमनिस्ड कभी हाईली इन कभी सेम साइज़ कभी डिमनिस्ड ये लोकेशन बाई लोकेशन वेरी करते रहता है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं थर्टीन नंबर व्हाट विल बी द वीडियो लंबा हो चुका है बस दो क्वेश्चन और करके पंद्रह तक छोड़ देंगे और ऐसे ही छोटे छोटे सेगमेंट में हम सारा वीडियो बना देंगे आराम से आप लोग पढ़ लोगे विथ एक्सप्लेनेशन और रिलेटेड सारे क्वेश्चन के साथ व्हाट विल बी द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाई ए कन्वेक्स मीटर प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी डालो इमेज उसका वर्चुअल बनता है सॉरी हाँ वर्चुअल बनता है सीधा बनता है मिरर के पीछे बनता है पोल और फोकस के बीच में बनता है ऑप्शन पढ़ लो इन बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट पहला ही ऑप्शन सही है क्यों आगे बढ़े थर्टीन का ए जो भी आपका होगा थर्टीन नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए आगे बढ़ेंगे ए फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट वॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय यूजिंग हमें किसी भी बिल्डिंग का फुल लेंथ इमेज अगर देखना हो तो कौन से मिरर से हम इजीली देख सकते हैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे पीछे कि कन्वेक्स मिरर का साइट एरिया ज्यादा होता है कन्वेक्स uh, मिरर यूज करेंगे तो फुल इमेज बड़ा आसानी से दिख जाएगा छोटा साइज में दिखाई देगा बट दिखेगा फुल कन्वेक्स मिरर ऑप्शन नंबर बी बी बोले तो बिहार फिफ्टीन नेचर ऑफ अ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ प्लस टेन सेंटीमीटर इज कन्वर्जिंग इन नेचर ए नेचर ऑफ मिरर हैविंग अ फोकल लेंथ प्लस टेन सेंटीमीटर इज कन्वर्जिंग इन नेचर ट्रू फल्स कैन नॉट से पार्शियली ट्रू फल्स किस मिरर का फोकल लेंथ प्लस में होता है और वो कन्वर्ज करवाता है जरा देखेंगे तो सही पहली बात कि प्लेन मिरर ना तो लाइट को कन्वर्ज करवाता है ना ही डाइवर्ज करवाता है वो सीधा लाइट को निकाल लेता है दूसरा कह रहा है आप खुद से पहले देखो आंसर खुद ब खुद आने लगेंगे एक हमने कन्वेक्स मिरर बनाया एक कनकेव मिरर बनाया ये कौन सा मिरर है कनकेव और ये कन्वेक्स जरा कनकेव देखो लाइट को हम कहीं से लेके आ रहे हैं तो कन्वर्ज का मतलब ये ना हो रहा है इसी को ना बोल रहे हैं लाइट कन्वर्ज हो रहा है डाइवर्ज हो रहा है कन्वर्ज हो रहा है ये कन्वर्ज किया है डाइवर्ज का मतलब होता है फैला देना और लाइट को फैलाया कौन है ये ये लाइट को फैला दिया डाइवर्ज किया इसका फोकस क्या है पॉजिटिव इसका फोकस क्या है निगेटिव ये क्या किया कन्वर्ज किया डाइवर्ज ये कन्वर्ज किया है और ये डाइवर्ज किया है तो डाइवर्ज किया है उसका फोकल क्या है पॉजिटिव और जो कन्वर्ज किया है उसका फोकल क्या है निगेटिव अब जरा आप क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखेंगे नेचर ऑफ मिरर हैविंग फोकल लेंथ प्लस टेन फोकल होना चाहिए प्लस में और उसका नेचर होना चाहिए कन्वर्जिंग प्लस फोकल कन्वर्जिंग पॉसिबल है प्लस फोकल होगा तो क्या दिखाएगा डाइवर्जिंग मतलब कन्वेक्स मिरर माइनस फोकस होगा तब जाएगा कन्वर्ज करवाएगा तो ऐसा कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है मतलब <coughs> और यहाँ टर्म ही बोल रहा है मिरर अगर लेंस बोल रहा तो सही था लेंस में कन्वर्जिंग का फोकस पॉजिटिव होता है और डाइवर्जिंग का फोकस ऐसे निगेटिव होते हैं तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे फल्स स्टेटमेंट है मतलब कैन नॉट से कोई ऐसा मिरर नहीं है पार्शियली ट्रूफ पॉसिबल नहीं है फल्स स्टेटमेंट है ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कोई मिरर हम बना ही नहीं सकते हैं जिसका फोकस पॉजिटिव हो और वो काम करे एज या कन्वर्जिंग लेंस तो बस पंद्रह क्वेश्चन ही हम डील कर रहे हैं चूँकि ज़्यादा लंबा डील करेंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा आप लोग देखोगे नहीं और हाँ अंत में पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना कहेंगे कि इस चैनल से रेगुलर बेस पे जुड़े रहें ते, क्लास टेंथ के फिजिक्स के ए टू जेड सोल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आने वाले एक सप्ताह के अंदर ओके बाय एक बार फिर से जय हिंद हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मस्ती में पढ़ते रहिए